Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and this is Shafqat Mansur Moro, and today we are going to talk about income from property. So before we go ahead, I just ask you to subscribe my channel and also press the bell icon so that you will get a new update regarding the videos. So आज का जो हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि आपको वो चीज़ मतलब आस्ते आस्ते उसको प्रैक्टिस में मिलाना होगा. And now here we go. These are the topics we will discuss today. Something called property. What is property? What is rent and municipal tax? Rent and municipal tax kya hota hai? Then we will go gross annual value. Okay, what is gross annual value? Then annual value hogi. Then assets and deemed owner. What is that? So you will learn these things also. Then property income which are exempted. कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनकम मतलब कौन कौन सी इनकम है जो प्रॉपर्टी से जनरेट होती है बट दे आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इनकम. देन कंपोजिट रेंट पे हम बात कर लेंगे एंड एट द एंड हम थोड़ा बहुत प्रोफार्मा पे भी काम कर लेंगे कि हाउ वी विल डेवलप द प्रोफार्मा. सो जस्ट बी अहेड विथ अस एंड वी विल गो अहेड एंड बी विथ अस सो दैट यू विल लर्न अलॉट. ओके सो हियर वी गो. व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हेनेवर यू विल सी एनी थिंग्स एनी लैंड any something called building, that something sounds property. So property kya hoti hai? Property consists of any building or lands. The SEC is the owner. SEC jab hum kehte hain wo ek owner hota hai jiski property hoti hai. Aapke paas agar koi property hai to means you are SEC. And deemed owner hote hain, phir hum baat karenge. It is we will discuss these things also. SEC discuss karenge, deemed owner discuss karenge. इट इज़ नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ एसेसी बिजनेस और प्रोफेशंस. अगर किसी के पास कोई बिजनेस है एंड दे आर यूजिंग देयर प्रॉपर्टी एज अ बिजनेस देन दिस इज नॉट समथिंग कॉल्ड के वो इनकम फ्राम प्रॉपर्टी है. देन देट विल समथिंग इनकम फ्राम बिजनेस और प्रोफेशंस. अगर आपके पास घर है और नॉट घर है आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने वो बिजनेस पे लगा दिए वो अपने बिजनेस के लिए नाम कर दिए सो उसमें जो जनरेट होने वाली इनकम होगी ना वो बिजनेस में मेंशन होगी ना कि प्रॉपर्टी में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स आल्सो. इट इज़ चार्ज ऑन नोशनल बेसिस. वो हर रोज मतलब हर मंथली बेसिस पे होती है. सो ये हैव वी गो. रेंट म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स के रेंट क्या होता है एंड म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स क्या होते हैं. एज पर दी इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो वी हैव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है समथिंग का लैंड लेबर एंड कैपिटल. लैंड की बात की जाए तो उसका रिवार्ड होता है रेंट. लेबर की बात की जाए तो वेजेस एंड और सैलरी पर हमने पहले बात की थी. एंड कैपिटल और समथिंग का इन्वेस्टमेंट और बिजनेस तो उसका होता है प्रॉफिट. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द लैंड. लैंड का रिवार्ड होता है रेंट. सो रेंट क्या होता है एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आल्सो एंड आल्सो गूगल के रेंट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. वन थिंग इज रिसीव्ड एंड रिसीवेबल. दे आर टू टर्म्स. रिसीव्ड मींस यू हैव गॉट द कैश एंड रिसीवेबल मतलब यू हैवंट गॉट द कैश बट इट इज रेंडर्ड कि ये वो अकर्ड हो चुकी हैं बट वो हो चुकी हैं. ठीक है. देन बाय द ओनर आर लैंड एर कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ ऑक्यूपेशन क्योंकि उसका ये किसी ने उसको यूज़ किया है उसको ऑक्यूपाई किया है. सो ये राइट है कि जो इसका मालिक है उसको वो रेंट मिलना चाहिए. सो रेंट इज़ अ रिवार्ड फॉर द ओनर आर द एसेसी बिकॉज ही इज गिविंग टू समवन एल्स. देन रेंट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स ऑन द रिसीट बेसिस. रेंट जो है ना वो चार्जेबल नहीं है. मतलब अगर आप कहीं दे रहे हैं कोई रेंट आपको दे रहा है तो उसमें टैक्स फिलहाल नहीं लगेगा. एक किस्म की शीटें बनती है फिर टैक्स लगता है. आपको FBR में रिकॉर्ड होना पड़ेगा. देन रेंट रिलेटिंग टू अ टैक्स ईयर आपको उसका पूरा टैक्स ईयर बता नोशनल बेसिस पे होता है. वेदर रिसीव्ड आर रिसीवेबल इज चार्जेबल टू अ टैक्स डेट टैक्स ईयर. जिस साल वो टैक्स ईयर पे आता है ना मतलब अगर 2020 का है अगर मतलब आप सारी चार्ज शीट लेके बैठोगे एंड सारा टैक्स रिकॉर्ड हो जाएगा फिर आपको एट एंड उस पर टैक्स लगेगा या शुरुआत में लग जाए लेकिन एनुअल लगता है. ये मंथली वाली कहानी का नहीं होता. मंथली पे होता है ये एनुअली आप पे अकर होता है ना कि मंथली. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स आल्सो. ओके
देन इस पे और लिखी की बात लिखी हुई है कि देयर फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग टू ₹7,50,000 विल बी चार्ज टू टैक्स ईयर इन विच इट लेट्स। सबसे बड़ी बात कि कभी कभार हम एडवांस भी ले लेते हैं कि एडवांस में जो हमें अमाउंट मिलता है वो भी एज आपको पता होना चाहिए कि वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर पे आप उसको भी लगा सकते हैं एज अ टैक्स, कि आपने वो चीज़ें पहले से रिसीव्ड की हुई है ना, रिसीव्ड तो हो चुकी है भले पर अकड़ हुई हो ना ना हुई, लेकिन कैश आया, ट्रांजेक्शन हुई, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन आ गई आपकी अंदर, पास कैश आ गया, देन इट हैज़ समथिंग कॉल्ड टैक्स्ड म्यूनसिपल टैक्स। आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो मेरे को तीन चीज़ों पे लेयर पे बता रहा, एक होता है फेडरल टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस जो गवर्नमेंट लेती है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेती है। देन होता है प्रोविंशनल टैक्स, प्रोविंशनल टैक्स वो होता है जो सूबे कलेक्ट करते हैं, हम उस पर बात कर चुके हैं इन दी प्रीवियस वीडियो पे हमने बात की हुई थी जब हमने ये जो टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान में बात की थी। फिर हमने फिर उसके बाद आता है म्यूनसिपल टैक्स, लोकल टैक्स जैसे हम कह सकते हैं म्यूनसिपल का या लोकल। सो म्यूनसिपल टैक्स आर लिवाइड बाय द लोकल अथॉरिटी, जहाँ डीसी होता है या आपके पास कोई मुख्तियारकार होता है वो उस पर टैक्सेस लगाते हैं। दे आर अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस, वो पेमेंट बेस वो आपको पेमेंट देनी पड़ रही है बेसिकली। दे आर अलाउड वेन द पेड बाय द ओनर, वो तब दी जाती है जब ओनर पे करना चाहे एंड एंड ऑफ द ईयर साल के दोनों में। हाँ इसमें एक चीज़ होती है, आपकी पता हमें पता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए रिटेन, वो एक लिखित डॉक्यूमेंट्स में होती है। सो लोकल अथॉरिटी मान जानती है कि आपके पास टैक्सेस है तो प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्सेस लगेगी। सो म्यूनसिपल प्रॉपर्टी टैक्स, दोज टैक्स व्हिच आर लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन योर हाउस। सो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे, कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट, बिकॉज जब हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें होगी एनुअली, भी कोई भी मंथली चीज़ पे नहीं आएगी। सो हम एनुअली पे बात करते हैं, इट इज़ अ सम ऑफ एनुअल वैल्यू व्हिच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्ट टू लेट आउट फ्रॉम 1 ईयर। ये टोटल आपका जो अमाउंट होता है ना हर मंथ का, इसको मिलाकर जब आप कहेंगे ना, ये होता है सम होता है बेसिकली, टोटल जितनी भी आपको रेंट मिल जाए ना इसे हम कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उस पूरे इस साल की जो आपको आपको लग रहा है कि आप इतना कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बिल्डिंग लेट आउट, बिल्डिंग क्या लेट आउट रहती है, सो वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन एक्सपेक्टेड रेंट इज म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज मोर। जब मतलब अब मैं तो दो तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए स्टेटमेंट। एक होती है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लेट सपोज के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगा दिया कि 2 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है वो मैक्सिमम इतना रेंट दे सकती है, उससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकती। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, लोवेस्ट रेंट इतना ले सकती है। वो घर जो देहात में हैं, जो मतलब क्या कहा जाए विलेजेस में हैं, जो डिप्राइव्ड एरियाज में हैं, अगर आप वहाँ पे रेंट ले रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ले सकते हैं रेंट। अगर प्रॉपर्टी परचेज की है और वहाँ पे आपको से कोई रेंट लेना मतलब रेंट पे ले रहा है तो आप उससे इतना रेंट कलेक्ट है, उससे ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते। सो मतलब ये एक किस्म का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है बाय अथॉरिटी, बाय सम बॉडी, बाय सम गवर्नमेंट्स, इवन म्यूनसिपल भी सेट कर सकती है। अगर सेट नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता सेट, तो हमें एक्सपेक्टेड करता है मतलब कि व्हाट वी वांट, के डिमांड क्या है मार्केट में, क्या डिमांड चल रही है एक घर की राइट नाउ, कि आपको मतलब मिनिमम जो रेंट होता है वो 6,000 तक आ जाएगा एक हाउस का, मतलब हमारे यहाँ मतलब पाकिस्तान में मतलब किसी कौन से एरिया समथिंग काल के रूरल सिंध पे आ जाए तो मतलब 7,000 to 13,000, फिर 7,000 से 15,000 तक रेंट हो जाता है। सो दिस इज समथिंग काल एक्सपेक्टेड रेंट, वो फिर म्यूनसिपल रेंट हो जाता है, फिर वो एक किस्म का फेयर भी रेंट होता है या उससे ज़्यादा भी हो जाता है, बट ये कम नहीं होगा याद रखने। फिर ग्रास मतलब ये आपको रेंट मालूम होने चाहिए कि आप स्टैंडर्ड रेंट ले रहे हैं या एक्सपेक्टेड रेंट ले रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड रेंट बेसिकली एक्चुअल रेंट भी हो सकता है, एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है, चलो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये जो 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें मतलब 4 रूम्स हैं, उस मालिक का जो मतलब रेंट का मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ही विल गेट माइट बी 13,000, उसको 13,000 लेने थे,
बट ही विल कलेक्ट 14,000, उसने 14,000 ले लिए। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कुछ अलग था, एक्चुअल रेंट अलग हो गया। तो एक्चुअल रेंट इज़ अ रेंट व्हिच यू हैव गिवन, जो आप देते हैं। सो ग्रास एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, वो तब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट व्हिच, मतलब ग्रास एनुअल वैल्यू जो है ना, वो एक्सपेक्टेड रेंट भी लगा लें, क्योंकि हम साल में एक्सपेक्टेड रेंट भी यूज़ करते हैं, एक्चुअल रेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल सम कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितनी ग्रास वैल्यू आ रही है। फिर वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज़ गिवन, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, याद रखो स्टैंडर्ड रेंट यानी कि किसी म्यूनसिपल पार्टी ने, ऐसी कोई बॉडी ने अथोराइज करके बना ली है, तो इट मे बी लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट एंड जीएवी इज़ एक्सपेक्टेड रेंट। फिर वो मोस्टली मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होता है कि वो लोअर होता है एक्सपेक्टेड रेंट के, एंड जीएवी इज़ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट वो जो, फिर ग्रास एनुअल वैल्यू जो होती है ना, फिर अगेन हम एक्सपेक्टेड रेंट पे ही बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेंट भले ही गिवन हो, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, हम फिर भी मतलब एक्सपेक्टेड पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट जब भी गवर्नमेंट बनाती है ना, तो वो कम बनाती है, वो बेनिफिट देती है उस बंदे को जो वहाँ पे रहने जा रहा है। फिर वो गरीब हो सकता है, मोस्ट प्रॉबली लोग जिसके पास, यहाँ जो लेबर होती है जो कराची में जाती है वहाँ पे, सो वो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि आपको 15,000 से ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप किसी अपार्टमेंट पे रहे हैं या फ्लैट पे रह रहे हैं, तो अगर वो मतलब थर्ड फ्लोर पे है, तो आप उससे 15,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। सो दिस इज़ समथिंग ओके एक्सपेक्टेड रेंट। और अगर वो एरिया अच्छी है, वो एरिया बेस्ट है, तो ये जो आप स्टैंडर्ड कह रहे हैं कि 15,000 जो गवर्नमेंट ने रखे हैं, वो बेसिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन जगह अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो मालिक ने पैसा बढ़ा लिया, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट है कि ये 20,000 तक ले सकता है। तो एक्चुअल रेंट भी एक्सपेक्टेड रेंट हो सकता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर वो ज़्यादा भी हो कोई इशू नहीं। फिर हम आते हैं एनुअल वैल्यू रेंट पे। एनुअल वैल्यू रेंट क्या होता है कि ग्रास एनुअल वैल्यू रेंट टोटल, मतलब टोटल एक्सपेक्टेड रेंट हो या एक्चुअल रेंट हो या स्टैंडर्ड रेंट, उसको सम अप कर ले 12 महीने, मतलब सर लेट सपोज के 15,000 इज एक्सपेक्टेड रेंट मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस म्यूनसिपल टैक्स, कि म्यूनसिपल टैक्स साल में कितना लगता है उस प्रॉपर्टी पे, कितना परसेंटेज लगता है। सो आपको ग्रास टोटल एनुअल वैल्यू रेंट आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एसीसी इज एन डीम्ड ओनर, क्या होते हैं एसीसी इज द ओनर, एसीसी इज द मालिक, वो मालिक होता है। इफ अ लैंड इज टेकन ऑन लॉन्ग टर्म, अगर या देखें हम गवर्नमेंट से 99 ईयर्स तक लॉन्ग टर्म लीज लेते हैं, तो वो एसीसी होता है जो लॉन्ग टर्म लीज पे बिलीव करे, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट द पर्सन इज ओनर। फिर अगर वो लैंड ले रहा है 99 ईयर्स लीज पे, फिर उस पर वो कुछ चीज़ बना रहा है, तो वो उसका ऑनर है, ही इज द एसीसी, ही इज द लीगल एसीसी ऑफ दैट लैंड। इन केस ऑफ द डिस्प्यूट, अगर कोई तकरार हो रहा है, मीन समथिंग कॉल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एन ओनर एंड ऑल्सो द पर्सन हु हैज़ डन कंस्ट्रक्टेड इट, देन जो पर्सन बेनिफिट ले रहा है, अ पर्सन हु गेट्स रेंट, दे विल पे द टैक्स, वो टैक्स पे करेगा जब तक मसला हल ना हो। ठीक है, मतलब जो जिसको फ़ायदा मिल रहा है, जो बेनिफिट ले रहा है उस लैंड से, चलो वो डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन टैक्स तो वो फिलहाल भरेगा। ठीक है, इफ इट इज यूजेज एज द एसेसी बिजनेस आर प्रोफेशन, देन इट इज़ नॉट कंसिडर एज द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर याद रख ले जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, कि अगर वो मसलन एसेसी बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, मतलब जो मालिक है उसके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए वो चीज़ यूज होती है, तो इसको फिर हम नहीं कंसिडर कर सकते इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मतलब वो बिजनेस के लिए यूज ना होती हो, याद रख लें ये मेरी बात। ठीक है, फिर डीम्ड ओनर वो होते हैं जो बेचारे टैक्स से बच जाते हैं, जिसको हम छूट दे देते हैं, भाई आप आज़ाद हैं टैक्स पे। तो उसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र टू स्पाउस, अगर वो प्रॉपर्टी किसी बंदे की वाइफ के पास ट्रांसफ़र हो गई है, या ऐसे किसी, मतलब जब एक्सपायरिटी हो जाती है ना एक बंदे की, तो उसकी सारी जायदाद या तो कोई एक माइनर चाइल्ड हो जाए या उसकी बीवी को मिल जाए, तो ऑन दैट टाइम उस पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से ही समझ, मतलब एक लॉसेस पे अपीयर कर रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट फिर टैक्स पे भी रिड्यूस दे देती है। होल्ड ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, वो स्टेट्स जो टूट इम्पार्टेबल, मतलब उसको हम, मतलब क्या कहा जाए कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हिस्सों में,
इम्पार्टेबलो, समझे? मतलब ज्वाइंट फैमिली है, अगर कुछ ज्वाइंट फैमिली सारी सब लोगों की मिली हुई है प्रॉपर्टी, हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका असल मालिक कौन है, फिर हम उस चीज़ को टैक्स पे नहीं करते। वो घर जो होता है ना, मतलब ज्वाइंट फैमिली है, सो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर ऐसा बंदा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है या जो वेलफेयर कमेटी का मेंबर है, तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं लगता। कोई अटॉर्नी है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। हैज राइट बट नॉट लेस देन 1 टर्बियस, हाँ उसके पास राइट है लैंड का, लैंड इज द ओनर ऑफ द लैंड बट फॉर ओनली 12 ईयर्स, तो उस पर कोई टैक्स नहीं। दीज आर डीम्ड ओनर। देन प्रॉपर्टी इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एग्जेम्प्टेड है, फार्म हाउस एंड एग्रीकल्चर हाउस, जो फार्म हाउस होते हैं जो अपने शौक के लिए बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर हाउस होते हैं समथिंग कॉल फॉर बिजनेस प्रॉपर, वो सारी चीज़ें टैक्स से अलग होता है। कोई महल आ गया या कोई सी पुराने रूलर का, यानी कि शहनशाह ताज शहनशाह शाहजहां का महल है तो प्रॉपर्टी लैंड, लेकिन है तो एक्स रूलर प्रेसिडेंट है हमारा, मतलब एक्स प्रेसिडेंट है उसका घर है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता, एक्स रूलर था वो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें, मतलब एक बंदा जो खुद ऑक्यूपाइड कर रहा है वो हाउ मतलब प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी है ना, वो किसी की है नहीं, वो खुद अपनी ही है, मतलब नो वन इज़ द ओनर। मतलब कैसे कहा जाए कि यार, मतलब ये चीज़ ऐसी है कि लेट्स सपोज काफ़ी चीज़ें होती हैं ना म्यूनसिपल की होती हैं, तो म्यूनसिपल अपनी टैक्स प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता, तो दिया जाता सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो अपनी खुद की मिल्कियतें हैं, मतलब वो किसी के नाम के पे नहीं है, वो ओन्ड है, वो उसी जगह पे ओन्ड है। लेट्स सपोज कोई बाजार है, बाजार में कुछ हाउसेज है, तो वो उसी बाजार की हैं, म्यूनसिपल की भी नहीं है, उस बाजार की हैं, तो उससे जो पैसा लगाया जाएगा वो उसी पे लगे, उस पर कोई टैक्स नहीं होते। प्रॉपर यूज फॉर चैरिटेबल पर्पज, अगर आपने किसी को मस्जिद को कोई प्रॉपर्टी दे दी है दान में, या किसी चर्च को दे दी, या किसी मंदिर को दे दी, या किसी स्कूल को ही दे दी, सो दैट समथिंग कॉल्ड चैरिटी, सो उस पर भी टैक्स नहीं होता। यूज़ फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस के लिए भी यूज़ नहीं होता, मतलब जो जो यूज बिजनेस या प्रोफेशन में हो, तो उस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि टैक्स जो होता है उसकी इनकम स्टेटमेंट में लग जाता है ऑटोमेटिकली। एंड रजिस्टर्ड यूनियन, ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी, जो यूनियनें होती हैं, ट्रेड यूनियन होती हैं, अच्छा उनके पास जो प्रॉपर्टी होते हैं उन पर भी नहीं लगता, क्योंकि बेसिकली दीज आर द बिजनेसेस। साइंटिफिक रिसर्च होती हैं जो एसोसिएट करती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, वाले सो हेल्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उन पर भी टैक्स नहीं लगता, जो रिसर्च साइंस के दौर पे मतलब लेबॉरटरी बनी हुई होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने हुए होते हैं, उन पर ज़रे बराबर टैक्स नहीं लगता, बिकॉज दे आर सर्विंग द नेशन, दे आर गिविंग दे आर सर्विस टू नेशन। हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस प्लेस, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो कौम को, कौम का भलाई कर रही है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि मतलब कौम का भला नहीं करती, दे आर रूलर ऑफ द कंट्री। रिलीजियस प्लेस जो मस्जिदें होती हैं, मंदिरें होती हैं, उन पर भी टैक्स नहीं लगते। सो द फर्स्ट वन इज दैट कंपोजिट ऑफ रेंट, रेंट कैसे बनते हैं भाई, ऐसे नहीं कि हमने रातों की रात रेंट बना दिया, नो। वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर सप्लीमेंट्री सर्विसेज, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, लिफ्ट सर्विस हो गए, अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आप सप्लीमेंट्री सर्विसेज में इंक्लूड कर ले, समथिंग लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लिफ्ट, सो वो भी इंक्लूड होती हैं रेंट में। तो हम समटाइम कभी आप कराची जाएंगे विजिट पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि दिस इज़ समथिंग कॉल्ड कंपोजिट रेंट, जिसमें आपको गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वाटर का बिल, लाइफ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें सम अप करके आपको दिया जाती है कि ये ले पापा कंपोजिट रेंट आ गया। देन वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज शुड बी डिटरमाइंड बाय द बिल्डिंग रेंट, शुड बी टैक्स द अंडर ऑफ सर्विस, मतलब ये चीज़ें होती है ना, मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर आपको हाउस रेंट में लगा दी जाती हैं, फिर ये सारी चीज़ें टैक्स्ड होंगी, हाउस प्रॉपर्टी एंड सर्विस विल बी टैक्स अंडर, और फिर जो बाकी सर्विसेज अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज लगाई जा रही हैं वो होंगे अदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस इनकम की। फिर हम आते हैं सिचुएशन टू। सिचुएशन टू क्या है? अगर ऐसा कोई फर्नीचर या इक्विपमेंट आ गया, सब टेलीविजन आ गई, इंटरनेट आ गया, अगर कोई से मोटर आ जाता है, वाटर कूलर्स आ जाते हैं, या किचन के मतलब फर्नीचर्स आ जाते हैं, सो ऑन दैट टाइम देट विल आल्सो इंक्लूड, वो भी इंक्लूड होते हैं। फिर
फिर हम बेसिकली उनको इनसेपरेबल नहीं कर सकते, दे आर द अदर एसेट्स आर इनसेपरेबल, वो इनसेपरेबल नहीं है। द टोटल एंड इंक्लूडिंग अंडरटेक्स ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस और इनकम, मतलब ये सारी चीज़ों ना, मतलब फर्नीचर इक्विपमेंट वो भी आप लगा लेंगे, इससे हम कितना अर्न कर रहे हैं, फिर वो आप सोर्स लगा लेते हैं, टैक्स डिडक्ट होता है फ्रॉम अदर सोर्सेज आर बिजनेस इनकम, वो प्रॉपर्टी में नहीं होता। प्रॉपर्टी इज द लैंड, ओनली लैंड इज द प्रॉपर्टी। सो फर्नीचर इक्विपमेंट जो आपको फैसिलिटेट करवा रहा है, अगर आप कहीं किसी होटल पे जाके स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। सो दो वो जो बिजनेस जनरेट कर रहे हैं या वो जो पैसा आपको मिल रहा है, तो वो बेसिकली हेल्प करेगा कि मतलब वो जो फर्नीचर इक्विपमेंट में आपने पैसा जनरेट किया हुआ है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस इनकम में आप लगा सकते हैं, ठीक है। देन हम थर्ड सिचुएशन पर हैं, फिर जब कंपोजिट रेंट इंक्लूड करे रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर असेट्स, अब ये चीज़ें सेपरेबल है, मतलब कैसे, अगर सेपरेबल आ गई हैं, मतलब आपकी मर्जी है आप 1 बेड लें या 2 बेड लें, आपकी मर्जी है कि एक कमरा हो जिसमें एसी हो या ना हो, इक्विपमेंट हो या ना हो, मतलब दिस इज समथिंग कॉल्ड सेपरेबल। टोटल रेंट एट्रीब्यूट इज बिल्डिंग टैक्स एज इनकम एंड रेंट इज असेट्स इस टैक्स अंडर द, मतलब जो असेट से पैसा जनरेट हो रहा है, एसी से पैसा जनरेट हो रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चला जाएगा, एंड जो रूम का मतलब आप एक रात वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे जो जितना रेंट जनरेट करता है, तो डेट विल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। कि रेंट से जो पैसा आ रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो असेट से पैसा आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ रहा है, लेकिन डिपेंड है कि ये सेपरेबल है, वो सेपरेबल नहीं था, ठीक है। सो हेयर वी गो, प्रोफार्मा, प्रोफार्मा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली कैसे बनता है। तो प्रोफार्मा, प्रोफार्मा इज अ वे इन विच वी विल कैलकुलेट दी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो हेयर वी गो, हम एक्सेल के पास जा रहे हैं। सो आप जैसे देखेंगे कि सबसे पहले हम सॉरी मर्ज हो गया, आप लिखेंगे प्रोफार्मा प्रोफार्मा प्रोफार्मा, ठीक है। ये आके आपकी सीक्वेंस, सीक्वेंस में हम लगा लेते हैं कि ओवरऑल कितने आ जाते हैं, ठीक है, 9 आ गए, ठीक है। फिर हम ग्रास एनुअल वैल्यू, ग्रास जी ए गेव, गेव का अमाउंट कितना रखें, सपोज करें 12,000 हमें मिल रहे हैं, साल के 12 13,000 लगा लेते हैं, 13,000 मिल रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। सो ये आ गया हमारा अमाउंट ओवरऑल ग्रास वैल्यू, ठीक है। फिर हम देखेंगे म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स हम लगा रहे हैं इस पे MT, म्यूनसिपल टैक्स इस पे हम लगा रहे हैं इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज को देंगे ना, बेसिकली हम परसेंटेज देते हैं, इसको हम परसेंटेज देते हैं 10% ओके। ये आ गया आपका 10%। सो ये आ गया म्यूनसिपल टैक्स, ठीक है। अब अनरियलाइज रेंट, मतलब वो रेंट जो लेना चाहिए था बट हमने लिया नहीं, मतलब रेंट व्हिच वी हैव टू गेट बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट कलेक्ट, मतलब वो इसे समझे कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके आपने फ्री में, मतलब फ्री में तो कुछ नहीं होता बेसिकली, देर इज़ नो एनी फ्री लंच, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें फॉर द रेंटर, कि वो जो रेंट दे रहा है उसके पास फ्री में चली गई, मतलब वो अब उसकी सर्विस नहीं रहा। लेट सपोज दैट ये क्या कहा जाए, हाँ वो जो डुगडुगी है पानी वाली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके पास पड़ी है, वो यूज़ करता है, या वो जो वाटर है पानी है, मतलब वाटर वो उसको ओनर दे रहा है, या वो ओनर के खर्चे पे जा रही है, मतलब वो उससे लेना चाहिए था पैसे पानी के नहाने के या वगैरह, नहाने का पानी जो आज जा रहा है, लेकिन उसने नहीं लिए, उसने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, बट जैसे समथिंग अनरियलाइज, तो वो भी हम लगा लेते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट आ गया, ये आपका आ गया लेट्स सपोज 1,000, इतना नहीं आता। फिर हम आएंगे एनुअल वैल्यू पे, अब एनुअल वैल्यू क्या है, ये आपका आ गया एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू हमारा आ जाता है, फिर इसको आप माइनस करते जाएं इससे एंड इससे, ठीक है। तो ये आपका आ गया एनुअल वैल्यू, ठीक है। सो जस्ट वेट सो दैट वी गुड, एनुअल वैल्यू आ गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो एनुअल वैल्यू आ गया। नाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन, कुछ चीज़ें होती है, जस्ट वेट जस्ट वेट, हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वो डिडक्शन है जो आपको एनी हाउ लगानी है,
जो आमतौर पे लगाई जाती हैं, ये हक में होती हैं। मतलब ये आपको गवर्नमेंट के समथिंग का टैक्स भी लगाया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी पे 30% टैक्स से, तो वो भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें होती है। सो स्टैंडर्ड टैक्स क्या होती है, जस्ट वेट, स्टैंडर्ड टैक्स पे हम बात करते हैं, लिख लेते हैं स्टैंडर्ड टैक्स। ओके, स्टैंडर्ड टैक्स क्या होता है, लेट्स अबाउट 30% है, मतलब ये तो गवर्नमेंट लगा लेती है 30%। ठीक है, स्टैंडर्ड टैक्स आ गया। देन इंटरेस्ट, मतलब वो जो आपने लोन लिया हुआ था फॉर द कंस्ट्रक्शन टाइम, वो भी आपको जो लोन पे इंटरेस्ट दे आप देते हैं वो भी यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स अबाउट 10% था, वो कोई अमाउंट होगा बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन टाइम, प्री कंस्ट्रक्शन आप कह लें, कंस्ट्रक्शन से पहले ही लेते हैं। ठीक, प्री कंस्ट्रक्शन टाइम, और ये होगा वो सपोज करें 1200, 1200 12000 कर लें आप। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर द करंट ईयर, हर साल हम कुछ लोन भी पेड कर रहे हैं तो वो भी इंटरेस्ट होगा। सो इंटरेस्ट ऑन करंट टाइम, भाई ये तो होता है। अब वो भी चलो चलो ठीक है, हम 12000 लगा लेते हैं। ये एनुअली हो रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये एनुअली हो रहे हैं। फिर आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इट्स वेरी इजी यार, मतलब कि इसमें कोई फॉर्स ही नहीं होती। ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, तो ओवरऑल 73,580। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं, तो ये बेसिकली आ गई हमारी प्रोग्राम के अंदर, कि अब देखेंगे कि जीएवी, म्यूनसिपल टैक्स एंड रेंट, ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनुअल वैल्यू आपको फाइंड आएगा, फिर आप स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड जीएसटी होता है, जनरल सेस टैक्स है, जनरल स्टैंडर्ड टैक्स होता है, वो हमेशा लगता ही लगता है हर चीज़ पे 30%। ठीक, फिर इंटरेस्ट ऑन, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन करंट टाइम, अगर और कोई लोन दिया हुआ है हाउस के ऊपर तो आप उससे भी वो इंटरेस्ट लेंगे, जो कि आप इनकम तो जनरेट कर रहे हैं ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाई। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रोफार्मा, होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट, कि हम इसको और बेटर कर लेते हैं आपकी एक वजह से। ये लें इसको, एक और पजामा पहना लिया, सॉरी फॉर देट। हो गया, सो ये आ गया आपका। चलो, हो गया, दिस इज समथिंग आप प्रोफार्मा। सो ये आपने ऑप्शन अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। सो दैट्स ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, सो दैट्स ऑल इट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स, एनी सजेशन, जस्ट डू कमेंट्स, डू मोर कमेंट्स, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड इट एंड मुझे पता चल जाए कि मैंने मतलब क्या क्या किया हुआ है। सो होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो अपने होस्ट शफकत अमान को दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। सो फी